नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए हम लोग करेंगे ऑनलाइन टेस्ट, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय जो थे वो कौन थे? तो वो थे ऑप्शन बी पुर्तगाली थे। भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ऑप्शन सी रामानुजाचार्य को जाना जाता है। विश्व में कोयला उत्पादन में भारत का जो है वो कौन सा स्थान है? ऑप्शन सी तृतीय स्थान है भारत का कोयला उत्पादन में। भारतीय सैटेलाइट प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा कहाँ है? तो ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण जो है वो किसके द्वारा होता है? तो माइटोकांड्रिया के द्वारा होता है। विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन बी जेनेवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग जो होता है वो उत्पन्न होता है? तो रिकेटस होता है। विश्व का शीर्ष लोहा उत्पादक देश जो है वो कौन सा है? तो ऑप्शन सी चीन। किसे शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है? तो ऑप्शन ए प्लीहा को शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे अथवा पीछे है? तो 5.5 घंटे आगे है। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत में आया था ऑप्शन ए 1946 ईस्वी में। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो ऑप्शन सी श्री बीएन राव। अकबर ने किस धर्म को प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन ए दीन ए इलाही। नीली क्रांति का संबंध जो है वो किस से है? तो नीली क्रांति का संबंध है ऑप्शन ए मत्स्य उत्पादन या मछली पालन कह सकते हैं, मछली पालन से संबंध है नीली क्रांति का। निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर भगवान महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन डी पावापुरी। संसद के सत्र का सत्रावसान कौन करता है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति करता है। भारत की कल्पना चावला किस स्पेस शटल या अंतरिक्ष यान से संबंधित थी? तो कोलंबिया। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का अधिकतम घनत्व किस राज्य में है? तो ऑप्शन सी बिहार में है, बिहार प्रांत में है, बिहार राज्य में है। विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं? ऑप्शन बी संधारित्र कहते हैं। और नागफनी से क्या तात्पर्य है? तो नागफनी से तात्पर्य जो होता है ऑप्शन सी रूपांतरित पत्ती होती है। विश्व में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति जो है वो कहाँ पर हुई? तो ऑप्शन डी ग्रेट ब्रिटेन इंग्लैंड में हुई, ग्रेट ब्रिटेन इंग्लैंड। भारत में पंचायती राज का आरंभ कब किया गया था? तो ऑप्शन सी वर्ष 1959 में किया गया था। जीपीआरएस का पूरा रूप क्या होगा? तो ऑप्शन सी जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, ये जो होता है जीपीआरएस का पूर्ण रूप होता है। गोल्डन गर्ल के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो ऑप्शन डी पीटी उषा को जाना जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक किससे संबंधित है? तो धर्म की स्वतंत्रता से। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? तो ऑप्शन ए 250 सदस्य होते हैं। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक जो था वो कौन था? तो मोहम्मद शाह था।
ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई जो होती है, यूनिट होती है, वो क्या होती है? ऑप्शन बी डेसीबल होती है। किस देश को अर्धरात्रि का सूर्य की भूमि कहते हैं? तो ऑप्शन ए नॉर्वे को कहते हैं, नॉर्वे। भारत में किस बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो कोच्चि। पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह के परिक्रमा पथ ऑर्बिट में वह बिंदु जो सूर्य से दूरतम हो को कहते हैं? तो ऑप्शन डी अपसौर कहते हैं। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड लगभग कितने प्रतिशत होती है? तो ऑप्शन बी 0.03%। पृथ्वी की पपड़ी की निचली परत को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सीमा। असुमेलित तथ्य को पहचानिए, तो इसमें कौन सा गलत वाला है? तो ऑप्शन सी बाकी के तीन, जैसे कि विटामिन B1 का हो जाएगा थायमिन, B2 का हो जाएगा राइबो फ्लेविन और B12 का हो जाएगा साइनोकोबालमिन। राइडर कप का संबंध किस खेल से है? तो गोल्फ से है, गोल्फ। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो ऑप्शन बी चना। निम्न में से किस शहर में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो ऑप्शन सी कटक उड़ीसा। श्वेत क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन ए दूध से। टिटनेस रोग जो है वो किस कारण से होता है? तो ऑप्शन बी बैक्टीरिया। गर्मियों में मृग मरीचिका किस घटना के कारण प्रदर्शित होती है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रिंटर और मॉनिटर किसके उदाहरण हैं? तो हार्डवेयर के, हार्डवेयर। हम लोग करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन, जिसमें पहला है यदि माइनस का अर्थ जो है वो भाग देना होता है, प्लस का अर्थ है गुणा करना, भाग का अर्थ है घटाना और गुणा का अर्थ है जोड़ना, तो नीचे दिए गए समीकरणों का सही क्रम कौन सा है? तो चार ऑप्शन है, तो इसमें से एक ऑप्शन ऐसा चुनना जिसमें क्या होगा LHS = RHS, मतलब दोनों पक्ष आपके बराबर होने चाहिए। तो इसमें से आपका ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। कर लेते हैं, तो देखिए एक क्वेश्चन क्या है आपकी, तो इनमें है 18, आगे माइनस, तो देखिए माइनस का अर्थ क्या है भाग देना, तो डिवाइड कर दिया, फिर 3, फिर आपका 3 लगा दिया, फिर 3 के आगे कौन सा चिन्ह है प्लस, अब देखिए प्लस का अर्थ क्या है गुणा करना, तो मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई आगे 2 के आगे देखिए मल्टीप्लाई है, अब देखिए मल्टीप्लाई का जो अर्थ क्या है जोड़ना, तो प्लस कर दिया। ओके गाइस, और आगे क्या है 8 के आगे देखिए क्या है डिवाइड, अब देखिए डिवाइड का अर्थ क्या है घटाना, तो घटा दिया, और 6 LHS ले लिया। अगर LHS बराबर RHS आ जाता है तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला, और बाकी के 3 जो हैं वो आपके गलत हैं, क्योंकि दोनों में दोनों पक्ष क्या हैं बराबर नहीं है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, बॉडमास रूल लगाएंगे। तो सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे, तो 3 का 18 में डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6, और फिर है मल्टीप्लाई 2 + 8 - 6। अब ये वाला सॉल्व करेंगे तो 6 × 12 प्लस 8 - 6, तो ये हो जाएगा 12 और 8 कितना होता है 20, में से 6 जाएगा आपका क्या हो जाएगा 14। तो LHS में आपका 14 हो गया और RHS में भी क्या है 14, दोनों पक्ष आपके क्या हो गए बराबर, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो निम्नलिखित अक्षरों से नहीं बन सकता, तो वो हो जाएगा आपका लेटर, ऑप्शन डी। क्यों? देखिए लेटर में आपके अल्फ़ाबेट ई जो है वो 2 बार यूज हुआ है, लेकिन इंटरनेशनल में अल्फ़ाबेट ई जो है वो 1 बार यूज हुआ है, तो एक एक्स्ट्रा आ गया, तो इसलिए डी नहीं बन सकता है, लेकिन नैनीताल बन सकता है, टेलर बन सकता है और अर्न बन सकता है इंटरनेशनल से। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है स्पर्श ने एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए कहा, कोई एक व्यक्ति है गाइस, व्यक्ति, तो इसको देखते हुए क्या कहा स्पर्श ने, स्पर्श लिख देते हैं, स्पर्श ने क्या कहा कि उसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की, मतलब स्पर्श जो है उसकी जो माँ रही होगी वो कहाँ होगी,
उसकी जो माँ होगी उसकी माँ मेरे पिता के, मतलब स्पर्श का पिता ऊपर वाले जनरेशन में आएगा, तो पिता रख दिया ऊपर। उसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की, मतलब पिता का कोई पुत्र होगा, मतलब स्पर्श ही तो है पुत्र पिता का, तो पिता के पुत्र की पत्नी है, पिता के पुत्र की पत्नी है, तो कौन हो जाएगी, ये पत्नी हो जाएगी यहाँ पर, कौन, उसकी माँ। ओके गाइस, और मेरा कोई भाई बहन नहीं, तो दोनों में कोई संबंध नहीं है, भाई बहन नहीं है। स्पर्श किसका चित्र देख रहा है, तो स्पर्श जो नीचे व्यक्ति है वो किसका हो जाएगा, अपने पुत्र का ही तो देख रहा है, क्योंकि स्पर्श ही है, उसकी पत्नी है, और उसका ये क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। ओके गाइस, तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है सूरज 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, थोड़ा सा पतला कर लेते हैं इसको कलर को। क्या कहता है, सूरज 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तो आपकी दिशा जो पूर्व हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, यहाँ से, मतलब ये कोई पॉइंट है, यहाँ से कितना चला, 2 किलोमीटर पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है। आगे कहता है फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, तो दक्षिण कहाँ होगा, ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट तो आपका ये है और लास्ट पॉइंट ये है, तो दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 6 किलोमीटर चलता है, नीचे जाएगा, अच्छा दक्षिण की ओर, तो 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। आगे कहता है फिर वह पूर्व की ओर मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है, तो ये है आपका दक्षिण, और 2 किलोमीटर पूर्व की ओर मुड़ेगा तो कैसे जाएगा, तो आपका ये जाएगा, ये यहाँ पर पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चला गया। ओके गाइस, आगे कहता है फिर वह उत्तर की ओर मुड़ जाता है और कितना चलता है, 12 किलोमीटर उत्तर की ओर जब मुड़ा वो, मतलब उत्तर कौन सी दिशा हो जाएगी आपकी, ऊपर की ओर होगी, ऊपर की ओर, और कितना चला, 12 किलोमीटर, कितना चला, 12 किलोमीटर। आगे कहता है और सूरज आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, देखिए गाइस ये जो टोटल दूरी है, कलर को चेंज कर लेते हैं, ये जो टोटल दूरी है वो कितनी है, 6, और ये भी तो फिर 6 हो गई, और बची हुई ये इतनी मिला दिया अगर, तो ऊपर ये बची हुई कितनी हो जाएगी, टोटल 12 है, तो बची ये ऊपर कितनी हो जाएगी, 6। स्टार्टिंग पॉइंट ये है, आरंभिक बिंदु से दूरी पूछ रहा है, और लास्ट पॉइंट ये है, तो ये दूरी आपको पूछ रहा है, ये कितनी हो जाएगी ये हमें बताना है। तो ये टोटल दूरी जो यहाँ तक बची है, कलर को फिर से चेंज करते हैं, ये टोटल दूरी बची है कितनी हो गई, 6, और ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, 2 तो ये है, 2 ये है, तो ये हो जाएगी 4, 6 ये, 4 ये। अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, निकाल लेते हैं, मतलब पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण कितना आ जाएगा, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कलर को फिर से चेंज करें, अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 2 और 6 का स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4+36, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, अंडर रूट, गाइस देखिए ये 4 था, तो 4 का स्क्वायर ये किया, तो 4 का स्क्वायर किया, तो अंडर रूट आपका कितना आ जाएगा, 16+36, तो 16+36 कितना हो जाएगा, 52, अंडर रूट के अंदर आपका क्या हो जाएगा, 52, तो आंसर क्या, अगर अंडर रूट को 52 बाहर निकालेंगे तो आंसर आएगा 7.2 किलोमीटर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अक्षरों का कौन सा समूह रिक्त स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा, तो इसका आंसर होगा ए बी सी सी बी, ऑप्शन ए, मतलब देखिए यहाँ पर ए भरा जाएगा, यहाँ पर बी भरा जाएगा, यहाँ पर सी, और यहाँ पर सी, और लास्ट में बी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखिए, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। पहले देखिए दूसरा वाला आएगा इम्पार्ट, फिर आएगा पहला इम्पोर्टेंट, फिर इम्प्रूव, फिर आएगा इम्प्रोवाइज। अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है, तो ऑप्शन डी। पहले देखिए सब्जी होगी, फिर इसको काटा जाएगा और उसको फिर तैयार किया जाएगा, फिर उसके बाद स्टोर करना पड़ेगा, फिर परोसा जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था, तो ये करवाया था अकबर ने। निम्न में से किस कौन सा मोरनी पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है, तो ऑप्शन ए करहो। समुद्र से दूर स्थित होने के कारण हरियाणा की जलवायु कैसी है, तो ये है अर्ध उष्ण।
निम्न में से किस स्थान पर आईटी पार्क स्थापित किए गए हैं? तो ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, मतलब पंचकुला फिर मानेसर। कुलिंद गणराज्य का क्षेत्र वर्तमान हरियाणा के किस जिले में विस्तृत था? तो ऑप्शन डी, अंबाला। किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है? तो ऑप्शन सी, महाभारत। हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित हैं? तो ऑप्शन बी, उत्तर पूर्वी। प्रथम स्वाधीनता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने दिल्ली में क्रांतिकारी सेनाओं का नेतृत्व किया था? तो ऑप्शन बी, राजा नाहर सिंह। हरियाणा का नगर निगम वाला शहर है? तो फरीदाबाद। राज्य का क्षेत्रफल संपूर्ण देश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 1.34%। सेब के फल में लाल रंग का कारण क्या है? तो एंथ्रोसाइनिन। देश में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादक राज्य है? तो उत्तर प्रदेश। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है? तो तमिलनाडु तट में। आम की बेमौसमी ऑफ सीजन किस्म कौन सी है? तो निरंजन। भारत में मनुष्य और पशुओं का अनुपात जो है वो क्या है? तो ऑप्शन बी, 2:1। विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम कहाँ पर माना जाता है? तो चीन में। IBM का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन बी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। एकीकृत परिपथ IC के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ? तो तृतीय पीढ़ी। चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बृहद एकीकृत परिपथ। लॉजिक गेट क्या है? तो लॉजिक गेट जो होता है ऑप्शन बी, एक प्रकार का सर्किट होता है। पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन डी, बार्म बूटिंग कहते हैं। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग खालिस्तान में होती हैं? तो CPU में। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को खालिस्तान कहते हैं? तो ऑप्शन बी, कर्सर कहते हैं। OCR का पूर्ण रूप क्या है? तो OCR का पूर्ण रूप है ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्निशन। वर्ल्ड वाइड वेब संकल्पना किसने बनाई थी? तो टिम बर्नर्स ली ने। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज। अब हिंदी के क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? तो ऑप्शन सी, हवा धीरे धीरे बह रही है। आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। अगला है, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा रस है? जैसे कि प्री भाई मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है। यहाँ दुख की बात हो रही तो यहाँ पर रस हो जाएगा ऑप्शन बी, करुण रस। अब इंग्लिश का क्वेश्चन है जिसमें के 98 से 100 तक हैं। इसमें कहता है, निर्देश दिया गया है, चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे कि ही खालिस्तान, द मैच बाई 2 PM। तो इसके बाद क्या भरा जाएगा? ऑप्शन ए, विल हैव वन। अगला है, दे विल हैव स्लेप्ट बिफोर यू खालिस्तान, यहाँ पर क्या भरा जाएगा? तो यहाँ पर भरा जाएगा गो, आपके जाने के बाद सो गया। अगला है, नो सूनर खालिस्तान द ऑफलाइन द ऑफिस देन हर फोन रैंग। तो ऑप्शन सी भरा जाएगा, डिड सी रीच। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ।